नमस्कार, आकाशनच्या मराठी बातमीपत्रात मी निषाद लांजर आपल्या सर्वांचे स्वागत करीत आहे। मकर संक्रांती पर्वावर विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली टेंबरी येथील आश्रमास भेट। मकर संक्रांतीच्या शुभ पर्वावर महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष श्री नाना पटोले यांनी लाखांदर तालुक्यातील टेंबरी येथील वैनगंगा नदी तीरावर असलेल्या स्वामी दिनेशानंद गिरीजी महाराज यांच्या आश्रमास भेट देऊन शुभ आशीर्वाद घेतला। भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर तालुक्याला वैनगंगा आणि चुलबन नदीचे वरदान मिळाले आहे। लाखांदूर तालुक्यातील टेंबरी येथील वैनगंगा नदी तीरावर भगवान महादेवाचे मंदिर असून या मंदिराच्या बाजूलाच परमपूज्य महामंडलेश्वर स्वामी दिनेशानंद गिरीजी महाराज यांचे आश्रम असल्याने या स्थळाला अधिकच महत्त्व प्राप्त झाले आहे। मकर संक्रांतीच्या पावन पर्वावर विधानसभा अध्यक्ष श्री नाना पटोले यांनी आपल्या व्यस्त कार्यक्रमातून वेळ काढून आश्रमाला भेट दिली। यावेळी परमपूज्य महामंडलेश्वर स्वामी दिनेशानंद गिरीजी महाराज यांनी श्री नाना पटोले यांना शुभ आशीर्वाद देत त्यांचा शाल व श्रीफळ देऊन सत्कार केला। यावेळी संस्थानचे सचिव अशोक कांबळे, सहसचिव निषाद लांजेवार तसेच सर काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष रमेश पारदी, नगर परिषदेचे माजी गटनेते रामचंद्र राऊत, युवक काँग्रेसचे सर अध्यक्ष जितू सुखदेवे, सुभाष खिलवानी, योगेश कुटे यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते। वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या नाथ की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। आपने मकर संक्रांति का जो ये पर्व है बहुत ही पुण्यदायी पर्व है, बहुत ही शुभ पर्व है। और ये जो पर्व हम मनाते हैं और इसको हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो मनाया जाता है, तो हिंदू सनातन धर्म में जो हमारे सनातन ऋषि मुनियों ने जो इसकी प्रथा रखी वो यह है कि माघ मगर गति रवि तन जाही, भगवान सूर्य जब मकर राशि में आ जाते हैं, भगवान सूर्य जो है जब मकर राशि में आते हैं तब जो है उत्तरायण में आ जाते हैं, उस समय जो है ये तिथि नक्षत्र मुहूर्त को निकाल करके ऋषि मुनियों ने ये समय निकाला। इसका विशेष महत्व स्नान का भी है, दान का भी है। इसमें स्नान का भी बहुत महत्व है, इसमें दान का भी महत्व है। तो हमारे सनातनी धर्म लोग हिंदू धर्मावलंबी जो है विविध प्रकार से अपने अपने तरीके से दान भी करते हैं, धर्म अपने हिसाब से करते हैं, कर्म धर्म अपने हिसाब से लगे रहते हैं, जो यथा योग जिसको जो दान देना होता करता है। पर इसमें विशेष प्रथा जो है दान का ही महत्व है। माघ मकर गति रवि तब जाही, प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि ने माघ की इसी महिमा के महीना आएगा, अब चालू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। तो माघ के महीने में समस्त भारत आर्यावर्त से ऋषि मुनि आते थे, ऋषि मुनि आकर के प्रयागराज में स्नान करते थे। इसका विशेष पुण्य मिलता है। जब देखो महाकुंभ भी होता है तो ये पर्व माना पर्व पहले लिया जाता है, शाही स्नान में ये तारीख पहले फर्स्ट नंबर में आती है, यही फर्स्ट नंबर में शाही स्नान ही आता है, फिर उसके बाद दूसरी आती है बसंत पंचमी, फिर तीसरा आ जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो पर्व है विशेष रूप से सौहार्द को बढ़ाने वाला है, अपने धर्म के धर्मावलंबी अपने सनातन धर्म की पराकाष्ठा को भी आगे बढ़ाने वाला है और समदृष्टि समृद्धि ऐश्वर्य शांति को भी प्रदान करने वाला है। यह साथ ये जो पर्व है बहुत ही अपने आप को आत्मसुख भी प्रदान करने वाला है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में यह विशेष रूप से मकर संक्रांति का जो पर्व है हमारे ऋषि मुनियों ने जो वर्णन किया है इसका विशेष रूप से स्नान का दान का महत्व है और इसके अलावा कुछ नहीं है। स्नान ध्यान का ही महत्व है, इसमें दान किया जाता है, स्नान की महत्ता है, यथा योग जिसके जो बनता उसी श्रद्धा से काम किया जाता है। तो ये कथा तो बड़ी लंबी है पर संक्षिप्त भाव में मैंने आपको बता दिया कि ये मकर संक्रांति का पर्व जो है हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत अति उत्तम है और सुख शांति देने वाला है, ऐश्वर्य शांति को बढ़ाने वाला है, हर प्रकार के सुख साधनों को संपन्नता को वृद्धि करने वाला है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।